कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद उनकी तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार हर हालात से निपटने को तैयार है। वही नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पॉन्स का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप उसको लीजिए। बस एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।